आदिवासी गुवारी समाज द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को लेकर विधान भवन पर मोर्चा निकाला गया। इस समय बड़ी मात्रा में आंदोलक मौजूद थे। दरअसल आदिवासी गुवारी समाज द्वारा पिछले कई सालों से अनुसूचित जमाती के आरक्षण की मांग की जा रही है। कई छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी गई है, जिसके चलते गुवारी समाज का विकास रुका हुआ है। इस वक्त आंदोलनकारियों ने बड़ी अनोखी रीति से परंपरागत नृत्य आदि प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी मांगे रखी। इस वक्त मोर्चेकारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगे रखी और यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी तीव्र आंदोलन का इशारा दिया गया। दर्शकों, शीतकालीन सत्र के छठवें दिन जो है आदिवासी गुवारी समाज द्वारा मोर्चा पॉइंट पे मोर्चा निकाला गया। इस वक्त हमारे साथ आंदोलक मौजूद है। क्या नाम है आपका? पूर्णानंद निवारे। और किन मांगों को लेकर आप यहाँ विधान भवन घेरने आए? आप तो पहले ही बोले कि आदिवासी गुवारी समाज, मैं बात करना चाहूंगा। हम आदिवासी गुवारी समाज तो है, लेकिन संविधानिक गोंड गुवारी जमात के हैं। और हम जो आज जो न्याय मांगने आए हैं, आदिवासी गोंड गुवारी जमात के लिए मांगने आए हैं, जो संविधानिक है, जो काका साहब कालेल का आयोग ने जो हमारी गोंड जमात की उजमात करके सिफारिश की है मध्य प्रदेश शासन को, तो तब जब गुवारी उपजमात गोंड की उपजमात करके जो सिफारिश हुई है, परिणामी हमारी जो एंट्री है वो एंट्री गोंड गुवारी आई है, वो पूरे तरह से संविधानिक है। और संविधानिक होने के बावजूद भी हमें जो महाराष्ट्र सरकार हमें न्याय नहीं दे रहा है, हमारे केंद्र सरकार न्याय नहीं दे रहे हैं, तो उस संविधानिक बाबी के आधार के अनुसार हमें न्याय चाहिए। जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिए थे 14 अगस्त 2018 को निर्णय दिए थे कि गुवारी यही गोंड गुवारी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पे जो हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो मीडिया वालों ने गलत जानकारी गलत बातमी अपने मीडिया के माध्यम से समाज लोगों तक पहुंचाया, टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया कि हाईकोर्ट का निकाल सुप्रीम कोर्ट ने घुमाया। ऐसा नहीं है, वो गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निकाल हमारे फेवर में है और पैरा नंबर 83 में हमारी जो संस्कृति दी है आप देख रहे हो हमारी तरफ ढाल है। सीधे तौर पर आपकी जो मांग है कि आपको जो है आदिवासी कोटा मिला जाए, लेकिन बीच में आपको आदिवासी कोटा मिला था और राज्य सरकार में जाकर किसी ने खटला चलाया, उसके बाद जो है वो निरस्त हो गया, ऐसी आपकी मांग है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आपसे कोई मिलने आया है प्रतिनिधि सरकार का, कोई आया है मिलने? अभी तक तो आया नहीं। कम से कम यहाँ पे डेढ़ लाख लोक संख्या जो मध्य प्रदेश से भी हमारे बांधव आए हैं अपनी न्याय और हक के लिए, लेकिन अभी तक कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं, कोई मंत्री नहीं आया। और इसी के खिलाफ है, अभी नारेबाजी लगा रहे हैं क्योंकि हमारी जो सुनने वाली कोई नहीं है। हमारे मतदान के ऊपर हमारे इलेक्शन जब इलेक्शन होता है तो अनुसूचित क्षेत्र जब है तो अनुसूचित क्षेत्र में हमें इंक्लूड किया है, जो हमारे मतदान के आधार पे वो चुन के आते हैं और हमारी बात सुनने को वो तैयार नहीं है, हम उनका निषेध करते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए जो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा आदिवासी गुवारी समाज का जो है आरक्षण के लिए जो है निरंतर जो है यहाँ संघर्ष चल रहा है, तो देखते ही शीतकालीन सत्र का छठवां दिन चल रहा है, आगामी 20 तारीख तक प्रतिनिधि नहीं मिलते तो काफी बड़ी मात्रा में जो है संघर्ष की चुनौती, संघर्ष की जो है इशारा इस वक्त इन आंदोलनकारियों ने दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं मनीष टिमरी, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।